फतेहाबाद में मिट्टी धंसने से उसमें फंसे एक मजदूर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। फतेहाबाद में सीवर लाइन बिछाने के लिए खुदाई का काम चल रहा था, तभी अचानक मिट्टी धंसने से एक मजदूर उसमें दब गया। मिट्टी धंसने के बाद वहां काम कर रहा दूसरा मजदूर अपने साथी को बाहर निकालने के लिए मिट्टी हटाने लगा। कुछ देर बाद मजदूर ने अपने साथियों को भी वहां बुला लिया, जिसके बाद कुछ लोग फावड़े की मदद से मिट्टी हटाने के काम में जुट गए। लेकिन मिट्टी ज्यादा होने की वजह से उनकी ये कोशिश नाकाफी साबित हुई, जिसके बाद मशीन की मदद से भी मिट्टी को हटाया गया। इस बीच वहां लोगों की भीड़ जुट गई। काफी देर की मशक्कत के बाद मिट्टी में दबे मजदूर को बाहर निकाल लिया गया और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पंजाब के सदर होशियारपुर थाने में तैनात अशोक कुमार नाम के एक कांस्टेबल ने 2 करोड़ रुपए की लॉटरी लगने के बाद लोगों का मुंह मीठा करा। इस कांस्टेबल ने लॉटरी की रकम को इलाके के विकास के लिए इस्तेमाल करने का दावा किया और अपने साथ काम करने वाले लोगों को मिठाई खिलाकर खुशी बांटी। इस दौरान लोगों ने कांस्टेबल को गले लगाकर लॉटरी लगने पर बधाई दी। 6 बजे मैंने फोन किया, उस बंदे ने कहना कि पाजी तुम्हारी लॉटरी निकल गई है। मैंने नहीं यकीन हो रहा कि मेरी लॉटरी निकल गई। कांस्टेबल अशोक कुमार की लॉटरी लगने की जानकारी मिलने पर इलाके के लोगों में भी खुशी की लहर दौड़ गई। उनको 2 करोड़ की लॉटरी लगी है, सुनकर बहुत अच्छा लगा। पंजाब पुलिस के इस जवान के परिवार वालों के चेहरे पर भी अशोक कुमार की लॉटरी लगने की खुशी साफ नजर आई। बिहार के नवादा में आबकारी विभाग की टीम ने देसी और विदेशी शराब की भारी खेप को नष्ट किया। बताया गया कि कुल 62 जगहों पर छापेमारी के बाद ये शराब बरामद की गई, जिसके बाद अधिकारियों की मौजूदगी में देसी और विदेशी शराब को सड़कों पर बहा दिया गया। इसके अलावा देसी शराब के सैकड़ों पैकेट को सड़कों पर रखकर गाड़ी से कुचला गया। 3200 लीटर शराब जिसका बाजार मूल्य लगभग 2 लाख रुपए। आबकारी विभाग की टीम ने कार्रवाई के समय शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाले सामान को भी नष्ट कर दिया। बताया गया कि देसी और विदेशी शराब की काफी खेप झारखंड में बनी थी।